Hi everyone, this is me Srishti and welcome to my channel. As we know that Diwali is just creeping in. तो आज हम बहुत ही सिंपल सी चोको फज बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं और ये बर्फ़ी हार्डली 5 to 7 मिनट्स में बन के तैयार हो जाती है और इसके इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल हैं जो कि आपके नियर बाय शॉप या स्टोर पे आपको ईजिली अवेलेबल मिलेंगे. तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी. हम यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसको कि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है. ये पूरी रेसिपी हमको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून घी डाला है. आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं. फिर मैं यहाँ पर 1 कप ऑफ मिल्क ले रही हूँ, उसको इसमें डाल दूँगी. आप कोई भी 1 कप या बाउल सेट कर सकते हैं मेजरिंग के लिए और उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मेजर करिएगा. अब हम इसे स्टर करते रहेंगे. स्टर करना बहुत ज़रूरी है. अब इसमें हल्का सा बॉईल आ गया है तो हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे. मैं यहाँ पर 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ और डालने के बाद हम वापस से इसको स्टर करेंगे. इस डिश को आपको स्टर करते रहना है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मिल्क के जलने के चांसेस रहते हैं. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मिल्क हल्का हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और अब इसमें पूरा बॉईल आ चुका है. अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं. मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ और मैंने डायरेक्टली इसमें डाला है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली डालेंगे तो कोको पाउडर मिक्स होगा बट उसके हल्के हल्के से चंक्स इसमें रह जाएंगे. बेसिकली पॉइंट ये है कि चोको चिप्स हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बट मैं चाहती थी कि इस बर्फ़ी में ऐसा टेक्स्चर आए जो कि थोड़ा बहुत चोको चिप्स का भी काम करे. तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े से चंकीनेस है कोको पाउडर की. बट अगर आप चाहते कि आपकी बर्फ़ी दिखने में बिल्कुल स्मूथ बने, उसमें ऐसा टेक्सचर ना आए, तो आप नॉर्मल जो दूध है रूम टेम्परेचर पे उसमें 1 से 2 चम्मच दूध में आप कोको पाउडर को मिक्स कीजिए और फिर इस मिक्सचर में डाल दीजिए और उसको चलाते रहिए तो आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की बनेगी. अब मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ. अभी मैंने यहाँ पर 1 कप ऑफ मिल्क पाउडर डाला है और इसको हम स्टर करेंगे. अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहना हम इसको. और वापस से मैं यहाँ पर 1/2 कप डाल रही हूँ. मैंने सारा एक साथ इसलिए नहीं डाला वरना उसके लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो अब हम इसको वापस से चलाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो कितनी जल्दी थिक होने लगा है मिल्क पाउडर की डालते ही. साइड से भी स्क्रेप करते जाएंगे ताकि वो जले ना. और अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो बर्फ़ी में छोटे छोटे से कोको पाउडर के जो ग्रेनी टेक्सचर है वो अभी भी इसमें दिख रहा है जो कि फज बर्फ़ी को काफ़ी अच्छा लुक देता है. तो हमारा ये मिक्सचर अब बिल्कुल थिक हो चुका है. इस मिक्सचर को थिक होने के बाद हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट ही हम कुक करेंगे. और ये पैन को आप देख सकते हैं कि छोड़ने लगा है, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है. अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो ये जल सकता है. तो हमारा ये मिक्सचर बन के बिल्कुल तैयार है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा ग्लॉस भी आ गया है. अब मैं इस स्टेज पर यहाँ पर थोड़े से कटे हुए नट्स डाल रही हूँ. मैंने काजू पिस्ता यूज़ किया हुआ है. आप चाहें अपनी पसंद का कोई भी नट इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसको वापस से मिक्स करेंगे. बस ध्यान ये देना है कि जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा होगा आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही इसको कुक करना है. ओवर कुक मत करिएगा इसको वरना मिक्सचर हार्ड हो जाएगा. अब मैंने एक मोल्ड लिया है और उसमें मैं घी को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ और आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम मिक्सचर को इसमें डाल देंगे. और इसको अच्छे से स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे. मैंने एक स्पून लिया है और उसको हल्का सा मैंने घी में डिप कर लिया था पीछे की तरफ से,
उससे फैलाना थोड़ा आसान होता है और हमारी जो बर्फी है उसको अच्छा सा शेप मिल पाता है। तो आप, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। आप चाहें तो कोई मोल्ड या फिर बॉक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 15 मिनट्स टू हाफ़ एन आवर के लिए। हाफ़ एन आवर बाद मैंने इस बर्फ़ी को बाहर निकाल लिया और ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसको स्क्वायर शेप में कट करूँगी। आप चाहें तो कैसे भी इसको कट कर सकते हैं। और इसकी प्लेटिंग करूँगी मैं। तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दिखने में ये रेसिपी, और उतनी ही ज़्यादा यमी है। ट्रस्ट मी, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस दिवाली इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपनी एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करना मत भूलिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी दिवाली।